Hello everyone. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning everyone. कैसे हैं आप सभी? जल्दी से मुझे बता दीजिएगा. Very good morning to all of you guys. Very good morning to all of you. Good morning. आदाब बड़क. अगर हम बात करते हैं तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपने आप सभी लोग जानते हैं DDA JEE का बिल्कुल एग्जाम्स हम बात करते हैं बिल्कुल एग्जाम आपके साथ है और आपको पता है कि डेबिट कार्ड भी आ जाएंगे बिल्कुल यार आपको क्या करना है यार फटाफट तरीके रैपिड फायर अपने रिवीजन को प्रॉपर्ली लेकर के आना है और सुबह जो 10 से 11 का है इसमें मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहां पर डील कर रहा हूं और ये क्वेश्चन तो एग्जाम आ जाएगा ये मैं नहीं एग्जाम देने के बाद आप बोलेंगे एग्जाम देने के बाद आप बोलेंगे कि सर हाँ यहाँ से पूरा का पूरा पेपर हमें देखने को मिला है ठीक है चलो तो हम बात करते हैं यहाँ से पूरा का पूरा पेपर हमें देखने को मिला है बेटा वॉइस क्लियर इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे फ्रॉड इंपैक्ट उसके वाइब्रेट मेरी ही वॉइस कर रही है ये सिस्टम से नहीं है मेरे ही जो है वॉइस के कारण यह थोड़ा सा हो रहा है ठीक है बेटा आप लोगों को डेली हो रही है मैं समझ रहा हूँ क्योंकि इसी सेशन में ऐसी जो है वो इलेक्ट्रिकल की भी क्लासेस चल रही है वहां पे वॉइस का कोई भी इशू नहीं आ रहा है मतलब ये मुझे थ्रोट इन्फेक्शन जो है उसके कारण से इशू निकल करके आ ठीक है चलो दो वॉइस है ऐसा है क्या दो वॉइस निकल करके आ रही अभी क्लियर है वॉइस अभी क्लियर है लो की बात करें लो और हाई की बात करें अभी क्लियर है मुझे ये बताओ हाँ या ना अरे बीच बीच में लो हो जाती है चलता है इतना पिच थोड़ा सा ऊपर नीचे मॉड्यूलेशन ईयरफोन पुट अप कर लो यार ईयरफोन पुट अप कर लो थोड़ा सा कोई इशू नहीं है ईयरफोन पुट अप कर लो यार ठीक है चलो तो स्टार्ट करते हैं सेशन को बिल्कुल ये बहुत ही शानदार चीजें यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आपके लिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा इसका आंसर बताइएगा क्या होगा फटाफट तरीके से इसका आंसर बता दो यार ठीक है चलो क्लियर बहुत बढ़िया फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्टैंडर्ड रोड ब्रेकिंग टेस्ट अ व्हीकल ट्रैवलिंग एट ऑफ 10 व्हीकल कितनी स्पीड से चल रहा है भैया व्हीकल 10 मीटर पर सेकंड से यहाँ पर मूव कर रहा है और अगर वॉज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग फुल ब्रेक एंड मार्क्स वर ऑब्जर्व अगर हम आके अप्लाई किया है फुल ब्रेक अप्लाई किया और स्किड मार्क्स निकल करके आ रहा है अगर ये कंडीशन निकल करके आ रही है और लेंथ ऑफ 10 मीटर एक 10 मीटर के व्हाट इज द स्किड रेजिस्टेंस ऑफ अज्यूमिंग द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द दिस वन तो अगर ग्रेविटेशनल दिया गया है तो डी एक्सेलरेशन लगेगा या नहीं डी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना होता है एफ इनटू जी आता है माइनस एफ इंटू जी निकल के आता है तो अगर मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लूँ डी एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लूँ एफ की वैल्यू मिल जाएगी मुझे या नहीं बिल्कुल मिल जाएगी लेकिन देखो स्किड मार्क की लेंथ दी गई है तो हम अगर ब्रेकिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होता है वी स्क्वायर अपॉन टू जी एफ यहाँ से भी निकल सकता है ये इक्वेशन नंबर वन है ये इक्वेशन देखो एल की वैल्यू यानी कितना क्या 10 मीटर तो हमने यहाँ पर लगा दिया है ऑप्शन निकल करके आता है ऑप्शन नंबर वन जो होगा वो हमारा राइट आंसर निकल करके आएगा ऑप्शन नंबर वन जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर निकल करके आएगा तो ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर दूसरा तरीका क्या बोलता है लगा दो v square is equal to u square plus 2as लगा दो ठीक है अगर हम बात करते हैं v की वैल्यू 0 हो रही है v की वैल्यू 0 हो रही है u की वैल्यू 10 का स्क्वायर दिया गया है प्लस अगर हम बात करें 2 into a की वैल्यू यहां निकाल लो s की वैल्यू सेम तरीके से यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते a is equal to कितना आएगा माइनस का 10 का स्क्वायर into 2 10 निकल कर आएगा मतलब माइनस 5 मीटर और इस वैल्यू को यहाँ पर रख दो आपका आंसर निकल के आ जाएगा इस वैल्यू को ऑप्शन नंबर एक में रख दो तो यहाँ पर एक क्वेश्चन को करने के दो दो मेथड्स हैं जो आप यहाँ पर सोच सकते हैं ठीक है हम बात करते हैं एक मेथड को करने के दो दो मेथड हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के अगर हम बात करें तो दो दो मेथड निकल के इन दोनों आप सोच सकते हैं तो भैया बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जिसको हम यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं ठीक है चलो बहुत बढ़िया
बिल्कुल हम बात करते हैं फर्स्ट की बात करेंगे ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर टू हियर क्वेश्चन नंबर टू इज हियर बेटा रीजनिंग की क्लास जो चल रही है वो शाम को आपको चल रही है MPPGL और रीजनिंग जो हमारा डीडी है वो एक ही कंबाइंड रीजनिंग की क्लास चलती है वहां से आप देख सकते हैं ठीक है चलो द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ अ व्हीकल एट अ स्पेसिफाइड लोकेशन इज अगर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बात करते हैं किसी एक पर्टिकुलर क्षण पर आपने देखा और वहां पर क्या निकल के आई जो स्पीड निकल करके आ रही है वो स्पीड को क्या बोलते हैं वो स्पीड को बोलते हैं स्पॉट स्पीड बोला जाता है क्या बोला था स्पॉट स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड को स्पॉट स्पीड और स्पॉट स्पीड के लिए क्या करते हैं हम स्पॉट स्टडी कर रहे होते हैं क्या करते हैं स्पॉट स्पीड स्टडी कर रहे होते हैं और स्पॉट स्पीड स्टडी की बात करो मेरे बच्चों तो स्पॉट स्पीड स्टडी में सबसे सिंपलेस्ट मेथड कौन सा निकल करके आता है जल्दी बताओ सबसे सबसे इंपॉर्टेंट मेथड कौन सा होता है इनोस्कोप मेथड की बात करते हैं या हम उसको ही बोलते हैं मिरर बॉक्स मेथड या हम बात करते हैं इनोस्कोप आता है तो सेकंड की बात करेंगे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर निकल करके ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ठीक है थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करो फटाफट यहां पर आंसर बताओ थर्ड नंबर क्वेश्चन के लिए बेटा डीडीए क्या बोल रहे हो बेटा इसके लिए मुझे एक बार फिर से शायद 4200 एक बार चेक करूंगा फिर मैं बताऊंगा आपको ठीक है चेक करने के बाद नोटिफिकेशन में जो मैंने बताया हुआ था उसके बाद चेक करने के बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि 4200 है या 4600 है ठीक है चलो द डायमीटर ऑफ अ पाइप इज 200 mm अगर डायमीटर 200 mm है वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू अ पाइप इज 4 मीटर पर सेकंड देन द डिस्चार्ज थ्रू द पाइप बताओ कितना होगा बिल्कुल घटिया सा क्वेश्चन एक नंबर का आंसर वन लाइन क्वेश्चन है क्या डिस्चार्ज जब हमें निकालना है तो डिस्चार्ज इक्वल टू कितना होता है एरिया इनटू वेलोसिटी निकल कर आएगा कितना होता है बेटा बच्चे डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी होता है और अगर एरिया इनटू वेलोसिटी करो पाइप है डायमीटर है और अगर डायमीटर दिया है पाइप है डायमीटर क्या है तो इस कंडीशन में क्या होगा ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर पाई डी स्क्वायर बाय 4 आएगी एरिया हो जाएगा और वेलोसिटी हमें क्वेश्चन में कितना पाई बाय 4 इनटू डी स्क्वायर की बात करोगे कितना 200 mm का मतलब कितना है 0.2 का स्क्वायर लगाओ इनटू कितना 4 मीटर पर सेकंड 4 से 4 तो 4 दूनी 8 तो मतलब 0.008 पाई निकल इसको हम बात करेंगे जो ये वैल्यू निकल के आएगी 0.008 पाई ये किस में आएगी मीटर क्यूब पर सेकंड और 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 3 लीटर होता है 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 3 लीटर हो जाता है तो वहां से हम कन्वर्ट करके लीटर निकालेंगे और हमारा आंसर क्या निकल करके आएगा आंसर आएगा मेरे बच्चे 125.60 लीटर पर सेकंड हमारा ऑप्शन नंबर होगा वो राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर निकल के आएगा तो थर्ड की बात करेंगे ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फोर्थ नंबर का आंसर बता दो फटाफट जल्दी से ठीक है ना क्या बोलती पब्लिक ठीक है अभी जल्दी सेशन को फटाफट शेयर और लाइक कर दो शेयर एंड लाइक द सेशन फटाफट डू इट फास्ट Which of the following cannot be done with the help of the theodolite in circuit? Theodolite की मदद से हम किसमें से क्या perform नहीं कर सकते? तो देखो, अगर हम setting out of the curve, की बात करें तो one theodolite method जिसको Rankine method भी बोलते हैं और two theodolite method जिसकी हम बात करते हैं यहाँ पर most accurate method निकल के आते हैं तो हम setting out curve तो कर सकते हैं, ठीक है? Determining the area of ground, अगर हम area of ground की बात करें तो area of ground को determine नहीं तो क्योंकि थियोडोलाइट एंगुलर मेजरमेंट करेगा लीनियर मेजरमेंट यहां पर कर नहीं पा रहा होता है जिसके या एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं होगा ठीक है नेक्स्ट स्टेबलाइजर ग्रेड ग्रेड को स्टेबलाइज करते हैं क्योंकि टेबल को यहां पर चेक करके थियोडोलाइट की मदद से इसलिए ग्रेड को भी स्टेबलाइज किया जा सकता है बिल्कुल किया जा सकता है ठीक है अगर हम बात करते हैं डिटरमाइन द डिफरेंस द एलिवेशन एलिवेशन में डिफरेंस यानी लेवलिंग की जा सकती है सर तो हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर तो वो हमारा राइट नहीं अगर एरिया डिटरमाइन करनी है तो हम प्लानीमीटर अच्छा एक प्लान को रिड्यूस करना है चार्ज करना है उसके लिए क्या यूज करते हो पेंटोग्राफ क्या यूज करते हो पेंटोग्राफ भी वहां पर यूज करते हो नंबर पे जल्दी से आंसर बता दो और मुझे आगे बढ़ते हैं यहां पर और सेशन को फटाफट तरीके से शेयर और लाइक कर दो जितने भी बच्चे नए आए हैं भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो तभी आप कमेंट कर पाएंगे और आपके नोटिफिकेशंस भी मिल जाएंगे कि सेशन कब शुरू होता है और कब खत्म ठीक है जल्दी फटाफट
DHEL का एग्जाम कब होगा बेटा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा यार, बिल्कुल इंफॉर्मेशन दे दूंगा बेटा। यार आवाज देखो, जब तक मेरा थ्रोट इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा एकदम से क्लियर नहीं हो पाएगी, लिटरली बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम यहाँ आ रही है। अब मैं समझ गया हूँ क्योंकि यहीं पर आपकी इलेक्ट्रिकल की भी क्लास चलती है, इसी सेम स्टूडियो से, वहां कोई इशू नहीं आ रहा है, मैंने कल खुद चेक किया है, और इसमें भी रिकॉर्डिंग में ऐसा कोई इशू नहीं आ रहा है। थोड़ा सा स्पीड का जो हम कहते हैं पिच का मॉड्यूलेशन हो रहा है, कभी हाई कभी लो हो रहा है, वो कंडीशन जरूर निकल कर गया। DHEL का एग्जाम मुझे अभी यार आइडिया नहीं है इसके बारे में, मुझे एनालिसिस करना होगा तब मैं आपको बता पाऊंगा, समझो बात को, ठीक है। अच्छा बाकी बच्चे बता दो यार आवाज का किसको, देखो जिनको आवाज ठीक आ रही है वो एक बार थम्स अप करना जरा सा, सभी लोग एक बार थम्स अप करो यार, जो जिनको भी आवाज ठीक आ रही है वो एक बार आवाज में थम्स अप करो, अदरवाइज एक काम करो स्माइली पास कर दो, जल्दी बताओ। चलो An air vessel is provided at the summit in the siphon in order to. अगर हम एक एयर वेसल की बात करते हैं तो हम कितना प्रोवाइड करते हैं, जल्दी बताओ। एयर वेसल की बात करते हैं तो एयर वेसल क्यों प्रोवाइड करते हैं? देखो एयर वेसल जो प्रोवाइड करते हैं तो वो हम प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो हमारा ये समिट होता है, इसके ऊपर टॉप पर हम यहाँ पर क्या है एयर प्रेशर प्रेशर की बात करते हैं, सो दैट हम प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन रख सके, इसको मेंटेन रख सके, प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन रखे, हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। टू इंक्रीज द डिस्चार्ज, डिस्चार्ज को इंक्रीज करने के लिए होता है क्या, डिस्चार्ज को इंक्रीज के नहीं होता है। टू इंक्रीज द वेलोसिटी, ये भी नहीं होगा तो हम बोलते हैं नन ऑफ द अबव, तो हो ही नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर का वो हमारा राइट आंसर निकल करके आएगा। ऑप्शन नंबर 1 हम बात करते हैं, यहां पर हम बात करते हैं राइट आंसर होगा, तो फिर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 6 नंबर का आंसर बताओ जल्दी से फटाफट, गुड मॉर्निंग। ये आधे होली खेल के आ रहे हैं, देखो सबके साथ होली खेल के आ रहे हैं बस। इन द कंसोलिडेशन ड्रेन टेस्ट, अगर देखो कंसोलिडेशन ड्रेन टेस्ट की बात किया गया मतलब सीडी टेस्ट की कंडीशन है, और सीडी टेस्ट की कंडीशन पे जो सेल प्रेशर स्टेज होगा उसमें भी वाल्व ओपन होगा, और जब दो सेकेंड स्टेज होगी डेविएटर स्टेज उसमें भी क्या होगा हमारा वाल्व ओपन होगा, दोनों कंडीशन में वॉल्व ओपन है। तो सीडी टेस्ट कंडीशन बात करते हैं, ऑन अ सैचुरेटेड सॉइल सैम पोर वाटर प्रेशर इज जीरो ड्यूरिंग, अगर हम बात करेंगे तो पोर वाटर प्रेशर किस स्टेज में जाएगा, तो हम बात करते हैं देखो दोनों में ही वाटर का एक्सपल्शन होगा, वॉल्व ओपन होंगे वाटर का एक्सपल्शन होगा, और वाटर का एक्सपल्शन होगा तो पोर वाटर प्रेशर क्या जाएगा, दोनों ही कंडीशन में जीरो निकल कर आएगा। क्या कंसोलिडेशन स्टेज में होगा केवल, शेयरिंग स्टेज में होगा केवल, नहीं, शेयरिंग स्टेज का मतलब है डेविएटर स्टेज की बात कर रहा है, ठीक है। तो तीसरा बोल रहा है बोथ कंसोलिडेशन एंड शेयरिंग स्टेज, दोनों ही कंडीशन में हमारा क्या निकल पूर वाटर प्रेशर होगा वो जीरो निकल करके आएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो राइट आंसर निकल। 7th नंबर का आंसर बता जल्दी से फटाफट, फॉर अ स्ट्रॉन्गेस्ट रेक्टेंगुलर बीम, अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट रेक्टेंगुलर कट फ्रॉम अ सर्कुलर लॉग, अगर हम बात करते हैं जिसको हम एक सर्कुलर लॉग से कट कर, तो हम बात कर रेक्टेंगुलर बीम है लेकिन सर्कुलर लॉग से इसको हमने क्या किया है ये कट कर, द रेशियो ऑफ विड्थ एंड डेप्थ इज कैप्ट एट, अगर हम बात करते हैं रेशियो ऑफ विड्थ एंड डेप्थ की, तो विड्थ एंड डेप्थ का रेशियो कितना रखा जाता है भैया, विड्थ एंड डेप्थ का रेशियो जो रखा जाता है 1/√2 रखा जाता है, या हम बात करेंगे L/√2 रखा जाता है, और √2 की बात करोगे तो 1/√2 का वैल्यू कितना आता है, 1/√2 की जो वैल्यू निकल करके आती है वो हमारा 0.707 निकल करके आएगी, कितना 0.707 आएगी, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो राइट आंसर। ओके चलो जल्दी से 8th नंबर का आंसर बताओ जल्दी से फटाफट, 8th का आंसर बताओ, 8th का आंसर क्या होगा, 8th का आंसर बताइएगा, बहुत बढ़िया, विटामिन इमल्शन की बात कर रहे हैं। देखो इमल्शन जब भी प्रेफर करते हैं हम तो क्या बोलते हैं, हम एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम इमल्शन की बात करेंगे क्या होगा जल्दी बताओ, किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में हम विटामिन को घोल देंगे तो हम बात करेंगे क्या होगा, जिसके कारण उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और विस्कोसिटी को कम करके जो हम एक्वस सॉल्यूशन करेंगे उसको क्या बोलेंगे, इमल्शन बोलेंगे। और अगर कटबैक की बात करें तो कटबैक क्या होगा, हम बिटुमिन में वैपोराइज, अगर हम बात करते हैं वैपोरेबल जो हम निकल कहता है
वो वेपर कोई एक्वस सॉल्यूशन डालेंगे जिसके कारण उसकी क्या होती है, कम हो जाती है, विस्कोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हम बात करेंगे इस इमल्शन की, बात करेंगे लिक्विड कंटेनिंग बिटुमिन इन द सस्पेंशन। तो लिक्विड है वो बिटुमिन में रखता है, लिक्विड कंटेनिंग बिटुमिन इन द सस्पेंशन, तो सही बात है। अगर बिटुमिन इमल्शन की बात करें तो कोई ये किसी तरीके का पेंट निकल यूज देना एंटी कोरोसिव पेंट, गलत बात है, एंटी कोरोसिव पेंट हो नहीं सकता है, ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर 1 बोलेंगे। अच्छा, इमल्शन कितने टाइप के होते हैं, अगर हम बात करते हैं रैपिड सेटिंग, मीडियम सेटिंग और स्लो सेटिंग इमल्शन यहां पर निकल कर, अगर हम बात करें 3 तरीके के, और कटबैक भी कितने तरीके के होते हैं, कटबैक भी 3 तरीके के होते हैं, एक रैपिड क्यूरिंग होता है, एक हमारा मीडियम क्यूरिंग होता है और एक हमारा स्लो क्यूरिंग कटबैक निकल के आता है। अगर हम बात करें तो पेट्रोल रैपिड क्यूरिंग में किसको यूज करते हैं, पेट्रोल, तो पेट्रोल को यूज करते हैं, और अगर मीडियम क्यूरिंग में बात करें तो हम केरोसिन को यूज करते हैं, और हम स्लो क्यूरिंग में हाई बॉइलिंग पॉइंट के लिक्विड को वहां पर यूज कर रहे होते हैं। तो ये कंडीशन यहां पर निकल जाती है। क्या हो गया भैया, जल्दी बताओ, बहुत बढ़िया। तो हम बात करते हैं 8th की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो 9th नंबर का आंसर बताओ यार, 9th नंबर, देखो भैया, देखो यार देखो एक बात बताता हूं तुम्हें, देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यहां पर नए आए, आप लोग ने पढ़ा होगा, कुछ बच्चे पढ़ा होगा, कुछ बच्चे कम पढ़ा होगा, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जो बच्चा यहां सेशन आ रहा है उन सभी को यहां बेनिफिटेड हो, सभी को बेनिफिट हो, आंसर सब जगह मिल जाएंगे, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन के साथ रिविजन हो रहा है वो एक अलग बात होती है। और तुमने ऐसा देखा है जितने मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, रिवीजन करवाया है, तो रिवीजन में जो चीजें बताई हैं उनसे भी क्वेश्चन निकल करके आए हैं डिफरेंट एग्जाम में। जल्दी का काम किसका होता है रे, जल्दी का काम किसका होता है, जल्दी बताओ। हाँ, तो इतनी जल्दी मत भागो यार, इतनी जल्दी भागोगे पता चला कुछ अच्छी चीज सामने से छूट गई तो, तुम देखना भूल गए तो, तुम समझना भूल गए तो। बहुत बढ़िया, ठीक है। द मिनिमम फरो ग्रेड टू इंश्योर द सरफेस ड्रेनेज, अगर सरफेस ड्रेनेज को इंश्योर करना है तो सरफेस ड्रेनेज को इंश्योर करने के लिए मिनिमम ग्रेड कितना निकल करके आता है, जल्दी बताओ मिनिमम ग्रेड कितना निकल के आता है। देखो किसी भी कंडीशन में अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा ग्रेड निकल के आता है वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5%, फरो इरिगेशन के केस में किसी भी 5% से ज्यादा निकल कर, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब फरो इरिगेशन में जो टोटल वेट एरिया होता है वो टोटल एरिया का कितना निकल करके आता है, टोटल एरिया का कितना होता है, ठीक है, ठीक है, कितना होता है, तो हम अगर टोटल एरिया का 1/2 से लेकर के 1/5 होता है, कितना 1/2 से लेकर के 1/5, यानी हम बात करें 50% से 20% के बीच में वो टोटल, यहां पर इवेपोरेशन लॉस आते हैं और जिसके कारण से इफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर हम फरो इरिगेशन में बताएं तो कौन से क्रॉप्स लगाते हैं, रो क्रॉप्स, वो क्रॉप्स जो रो में लगाए जाते हैं, जैसे टमाटर हुआ, तो हम बात करते हैं रो क्रॉप्स को हम किस में लगाते हैं, हमारा फरो इरिगेशन आ रहा होते, तो 9th की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर निकल कर। चलो 10th नंबर का आंसर बताओ फटाफट जल्दी से, 10th का आंसर बताओ। अगर हम ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल, एक मिनट गाइस, चलो तो ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल बाय सॉल्विंग अ 2-पॉइंट प्रॉब्लम इज अडॉप्टेड ओनली व्हेन, अगर हम बात करते हैं अडॉप्टेड ओनली व्हेन, कब अडॉप्टेड किया जाता है, 2-पॉइंट प्रॉब्लम के द्वारा हम बात करते हैं, कब कहते हैं, saving of time is main factor, yeah, saving of time, right? So 3-point problem को use करो, क्योंकि वो quick method है, जबकि 2-point problem क्या है, time consuming है और error होने के chances भी ज़्यादा आते हैं। दूसरा, better accuracy is main factor, अगर better accuracy चाहिए है, तब भी हम बात करते हैं किसको, 3-point problem को prefer करेंगे, क्योंकि 3-point की मदद से ज़्यादा accurate निकल के आता है, जबकि 2-point problem थोड़ा सा errorful measurement कर रहा होता है, क्या करता है, errorful measurement करता है। Given points are inaccessible, तो हम बात करते हैं 2-point, बिल्कुल सही बात है, अगर given points inaccessible, अगर आपको 3 points दिए गए हैं और उनमें से कोई एक point inaccessible है, तो उस condition में आप 2-point problem पर जा सकते हैं।
पॉइंट प्रॉब्लम पे जा सकते हैं, ठीक है, नन ऑफ द अबव होगा नहीं, इसलिए हम बात करेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर थ्री जो होगा वो हमारा राइट आंसर निकल कर ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर टेन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर टेन के बाद क्वेश्चन नंबर इलेवन की बात करो, जल्दी बताओ आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कहां भाग गए सभी के सभी, बुलाओ भाई सभी को बुलाओ जल्दी से फटाफट बुला लो जल्दी फटाफट बुला लो यार। सबसे पहले समझो L इज द पेरीमीटर ऑफ द क्लोज ट्रेवर्स, क्लोज ट्रेवर्स का पेरीमीटर क्या है L है, समेशन D जो है वो डेल D जो है वो क्या है क्लोजिंग इधर है एंड डिपार्चर में, और अगर हम बात करें करेक्शन फॉर द डिपार्चर ऑफ द ट्रेवर्स साइड ऑफ लेंथ L अकॉर्डिंग टू द बोडेज रूल, तो बोडेज रूल जो बोलता है बोडेज रूल क्या बोलता है भैया, बोडेज रूल बोलता है एरर जो निकल कर के आएगा लीनियर मेजरमेंट में एरर होगा वो किसके बराबर होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर लेंथ, और एंगुलर में जो एरर निकल करके आता है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर लेंथ निकल करके आएगा, रूट ओवर लेंथ ऑफ द लाइन निकल के आता है। अच्छा बोडेज रूल कब यूज करते हैं, जब हम बात करते हैं हमारा एंगुलर और लीनियर मेजरमेंट दोनों ही सेम प्रेसिजन के साथ लिया जाता है उस कंडीशन में बोडेज रूल हम ले रहे होते हैं, जबकि ट्रांजिट रूल कब प्रेफर करते हैं, जब कंपास अगर हम बात करते हैं ट्रांजिट रूल को कंपास मेथड भी बोलते हैं, मतलब जब एंगुलर मेजरमेंट लीनियर मेजरमेंट के कंपैरिजन में मोर प्रिसाइजली लिया जाएगा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम करते हैं यहां पर जो आंसर निकल कर के आएगा वो क्या होगा, हम बात करें डेल्टा डी एल अपॉन एल, एल पेरीमीटर होता है और एल एक पर्टिकुलर, तो ये उल्टा लिखा, तो हम बात करें अगर यही टर्म उल्टा लिख दिया जाए तो कौन सा ऑप्शन डेल्टा डी इंटू एल बाई एल यहाँ पर निकल जाएगा। अच्छा क्लोजिंग एरर कितनी होती है, क्लोजिंग एरर अगर हम किसी ट्रेवर्स पे क्लोजिंग एरर की बात करें तो समेशन ऑफ डी स्क्वायर प्लस एल क्या होता है लैटिट्यूड और डी क्या होता है डिपार्चर, लैटिट्यूड डिपार्चर कैसे डिफाइन करोगे, अगर हम बात करते हैं लाइन का किसी भी लाइन का नॉर्थ साउथ लाइन पर जो प्रोजेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ साउथ लाइन पर जो प्रोजेक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम लैटिट्यूड क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोला जाते हैं, और अगर इसका हम देखें तो ईस्ट वेस्ट लाइन पर जो प्रोजेक्शन होगा उसको क्या बोलते हैं डिपार्चर बोला जाता है, क्या बोला जाता है डिपार्चर यहाँ पर बोला जाता है, तो लैटिट्यूड क्या होता है डिपार्चर क्या होता है हमने यहाँ पर डिफाइन 11th का आंसर लगाया और 12th नंबर क्वेश्चन पे जंप कर गए, जंप करने के बाद इसका आंसर जल्दी से फटाफट बता दो क्या होगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया क्या हो गया भैया, चलो जल्दी आंसर बताओ इसका फटाफट, सेशन को शेयर और लाइक कीजिएगा यार फटाफट, सेशन को शेयर और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फटाफट, चलो ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट फॉर द अनशिफ्ट सीमेंट, अगर हम एक्सप्रेसिव सीमेंट की बात करें तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या निकल कर के आता है, तो यहां पर देखो इट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज द सीमेंट, अगर हम बात करते हैं यहां पर सेल्फ स्ट्रेसिंग सीमेंट्स बोल सकते हैं, बिल्कुल हम सेल्फ, ठीक है, इट इज सुटेबल फॉर द ग्राउटिंग पर्पज, ग्राउटिंग पर्पज के लिए होता है, बिल्कुल सही बात करते हैं, सीमेंट की बात करेंगे तो जब जो सेट होता है तो वो एक्सपांड होना स्टार्ट हो जाता है, तो ग्राउटिंग पर्पज के लिए सुटेबल निकल करके आएगा, ठीक है। इट इज अ मैन्युफैक्चर फ्रॉम द सल्फो एल्यूमिनेट क्लिंकर्स, बिल्कुल सही बात है, सल्फो एल्यूमिनेट क्लिंकर्स के द्वारा हम इसको क्या कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, और नेक्स्ट होगा इट शोज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज द वॉल्यूम इवन आफ्टर द टाइम, गलत बात है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज द वॉल्यूम इवन आफ्टर द टाइम, तो तो इनकरेक्ट वो हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकल गया, तो 12th की बात करेंगे यहां पर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, और 12th के बाद 13 की बात करो यहां पर क्या निकल कर आएगा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो
कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन इज कॉज्ड बाय, अगर कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं, कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन किससे होता है, तो भैया हमें पता है अगर हम क्लाउड्स की बात करते हैं, क्यूमुलिफॉर्म क्लाउड्स की बात करते हैं, तो क्यूमुलिफॉर्म क्लाउड्स के द्वारा हमारा क्या कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन आ रहा होता है। ऑरोग्राफिक की बात करें तो ऑरोग्राफिक के द्वारा क्या होता है, ऑरोग्राफिक होता है, ऑरोग्राफिक के द्वारा ऑरोग्राफिक हो रहा होता है। तो 13 की बात करेंगे यहाँ पर राइट आंसर, 14 नंबर का आंसर होता है, जल्दी से फटाफट फटाफट 14 का आंसर बताओ फटाफट बेटा। सल्फो एल्यूमिनेट जो होता है वो एल्यूमिनियम और सल्फर का मिक्सचर होता है, उसका क्लिंकर निकल करके लाते हैं, वो एग्रीगेट के फॉर्म में होता है, एग्रीगेट के फॉर्म में होता है, ठीक है। चलो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, बेटा वॉइस मेरे एंड से खराब है, मेरा थॉट खराब है, इस कारण से वॉइस इतनी भी खराब नहीं आ रही है, आई होप सो इतनी भी खराब वॉइस नहीं है। एक बार फिर से रिफ्रेश कर लो या ईयरफोन लगा लो यार, मुझे पता है कि इतनी अच्छी आवाज भी नहीं है लेकिन इतनी खराब आवाज भी नहीं है। या तो फिर मैं सेशन 3-4 दिन का ऑफ कर देता हूँ, पूरा बंद कर देता हूँ, उसके बाद में जब वॉइस ठीक होगी तब मैं आ जाता हूँ, ठीक है। ऐसा कर लें क्या, मैं 3-4 दिन ऑफ पे चला जाता हूँ, फिर वॉइस का देख लेंगे। मतलब माइक भी चेंज कर दिया, सब कुछ कर दिया, अब बताओ और क्या कर दूं मैं। चलो तो हम बात करेंगे फॉर द हाइड्रोग्राफ एनालिसिस द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज डिफाइंड एज, अगर हम टाइम ऑफ कंसंट्रेशन की बात करें, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन तो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कैसे डिफाइन होता है, टाइम फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ एक्शन फॉल टू द पॉइंट ऑफ द इंफेक्शन, पॉइंट ऑफ द इन्फेक्शन तक नहीं, अगर हम बात करें सेंटर जाते हैं तो वो कंडीशन आती है, टाइम फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ एक्सेस रेनफॉल टू द पीक टाइम और पीक पॉइंट ऑफ द हाइड्रोग्राफ, ये भी नहीं होगा, टाइम फ्रॉम द एंड ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल, तो हम जो एक्सेस रेनफॉल का एंड होता है उससे द पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर होगा वो हमारा राइट आंसर निकल करके आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो तो हम बात करते हैं यहाँ पर ठीक है, तो वो कंडीशन निकल कर क्या, तो 14 की बात करें तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। 15 नंबर का आंसर होगा, जल्दी से फटाफट फटाफट 15 नंबर का आंसर बताइएगा, 15 का आंसर बताइएगा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज इंप्रूव्ड बाय, अगर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट की बात करते हैं, किससे करते हैं, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट लॉन्ग टर्म मॉड्यूलस जो निकालते हैं वो क्या होता है, वो हम बात करते हैं ईसी अपॉन 1+थीटा, और थीटा की बात करते हैं क्या होता है, क्रीप कोएफिशिएंट होता है, और क्रीप कोएफिशिएंट बात करते हैं तो एज ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है, एज ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है, तो मतलब किसके साथ होगा, हम बात करते हैं एज के साथ, यहाँ पर लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वो एज ऑफ कंक्रीट और एज बढ़ता जाता है, तो हायर वाटर सीमेंट रेशियो के साथ क्या होगा, हमारी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, हमारी स्ट्रेंथ क्या होती है, कम हो जाती है, ऑल ऑप्शन करेक्ट हो नहीं सकते, वाटर क्यूरिंग साथ हो नहीं सकता है, की बात करेंगे ऑप्शन नंबर 2 इज द 16 नंबर का आंसर बता जल्दी से फटाफट, 16 का आंसर बता जल्दी से फटाफट 16 का आंसर बताइएगा जल्दी से फटाफट, द मार्शल स्टेबिलिटी वैल्यू फॉर द बिटुमिनस मिक्सेस फॉर द हैवी ट्रैफिक सेल व्हाट बी, अगर हम बात करते हैं किससे, मार्शल स्टेबिलिटी वैल्यू की बात करते हैं तो इससे कम नहीं होना चाहिए, अगर मार्शल स्टेबिलिटी की वैल्यू की बात करें तो 910 किलोग्राम से कम निकल करके नहीं आना चाहिए, कितना 910 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर। चलो 17 नंबर का आंसर बताओ जल्दी से फटाफट, 17 नंबर का आंसर बताइए फटाफट जल्दी से, हाँ 17 का आंसर बताओ जल्दी से फटाफट, तो हमसे बोल रहा है था मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन अ ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विद द रेडियस आर इज गिवन एज, वेयर एन द शियर फोर्स, तो अगर हम बात करते हैं क्या निकालना है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होता है, 4/3 ऑफ टाउ एवरेज, ना 4/3 ऑफ टाउ एवरेज, और टाउ एवरेज की वैल्यू निकालोगे कितना हो जाएगा, 4/3, हम बात करते हैं यहां पर क्या होगा, हमारा शियर फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा,
पाई आर स्क्वायर निकल, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, अगर हम बात करते हैं एफ अपॉन 3 आएगा तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अच्छा ट्राइंगुलर सेक्शन में मैक्सिमम कितना होता है, ट्राइंगुलर सेक्शन में जो मैक्सिमम निकल है वो कितना होता है, वो होता है 2/3 ऑफ टाउ एवरेज निकल के, 2/3 ऑफ अगर हम बात करते हैं टाउ एवरेज निकल के आ रहा होता है, तो वो भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। 2/3 होता है या नहीं जल्दी बताओ, आया ना सही बोला है गलत बोला जल्दी बता दो, बता दो रे बच्चों, ट्राइंगुलर सेक्शन में मैक्सिमम जो कितना होता है वो कितना होता है 2/3, बिल्कुल सही बात, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो हम बात करेंगे 17 की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 18 नंबर का आंसर बताओ जल्दी से फटाफट, 18 का आंसर बताओ, द टाई बार्स इन अ कंक्रीट पेवमेंट आर प्रोवाइडेड अक्रॉस, अगर टाई बार्स की बात करेंगे देखो आज सुबह ही बताया मैंने, तो हम बात करते हैं यहाँ पर देखो जो हमारे कंस्ट्रक्शन जॉइंट होते हैं, जो हमारे जॉइंट होते हैं वो कौन से होते हैं, ये हमारे लॉन्गिट्यूडिनल और लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या प्रोवाइड करते हैं टाई बार प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं टाई बार प्रोवाइड, जबकि जो हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमारे ट्रांसवर्स जॉइंट है, ट्रांसवर्स जॉइंट होते हैं, तो ट्रांसवर्स जॉइंट के अंदर हम क्या प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसवर्स जॉइंट के अंदर प्रोवाइड करते हैं क्या बोलते हैं डबल बार बोल रहे हैं, तो डबल बार का ओरिएंटेशन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक होता है, जबकि टाई बार का ओरिएंटेशन है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक निकल करके आ रहा होता है, यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट राइट आंसर हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट्स जो होगा वो हमारा राइट जॉइंट होगा, और अगर हम कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की बात करें तो वही जॉइंट कॉन्ट्रैक्शन का वही जॉइंट हम बात करते हैं एक्सपेंशन का काम भी करते हैं, साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन जॉइंट वो होते हैं जो एट द एंड ऑफ डेज बनाते हैं, डेज के अंत में जो हम बना रहे होते हैं तो हम बात करते हैं उसको, हम बात करते हैं वहां पर कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट यहां, ठीक है, तो ये कंडीशन निकल कर आ रही होती है। अच्छा एक और चीज मुझे बता देना, जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जॉइंट है क्या ये वार्पिंग को भी हैंडल कर लेते हैं, क्या ये वार्पिंग को भी हैंडल कर लेते हैं जल्दी बता दो ना, बिल्कुल वार्पिंग को भी यहाँ पर हैंडल कर, 18 की बात करते हैं हमारे राइट आंसर, 19 नंबर का आंसर बताओ जल्दी से फटाफट, 19 का आंसर बताओ जल्दी से फटाफट, हैप्पी होली अभी भैया, होली खत्म हो चुकी है, आप होली खत्म हो चुकी है, आप वापस आ जाओ तुम लोग अपने जोन में, ठीक है। तो विच वाइब्रेटर इज यूज फॉर द वाइब्रेटिंग द कंक्रीट, अगर कंक्रीट क्यूब के वाइब्रेशन की बात करते हैं, उनके कॉम्पेक्शन की बात करते हैं, तो कौन सा वाइब्रेटर यूज किया जाता है, तो अगर हम कॉन्क्रीट क्यूब के कॉम्पेक्शन की बात करते हैं तो टेबल वाइब्रेटर को यूज करते हैं, टेबल पे क्यूबिक मोल्ड को रखते हैं, उसको वाइब्रेट करते हैं और धीरे धीरे वो क्या होता जाता है कॉम्पैक्ट होता जाता है, तो टेबल वाइब्रेटर हम कर रहे होते हैं। 19 की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 20 नंबर का आंसर बताओ जल्दी से फटाफट। अच्छा शुभम रजक जी आ चुके हैं, अच्छा बहुत बढ़िया, कहां थे भाई साहब 2-3 दिन से, आज कैसे रास्ता भूल गए, बहुत बढ़िया। चलो 20 नंबर, रिमूवल ऑफ पैरेलेक्स में बी अचीव्ड बाय, अगर हम बात करते हैं रिमूवल ऑफ पैरेलेक्स, अगर पैरेलेक्स की बात करते हैं पैरेलेक्स होता क्या है, हम बात करते हैं इमेज का उस क्रॉस हेयर के प्लेन में ना बनना क्या कहलाता है, हमारा पैरेलेक्स का कारण क्या होता है, दो पैरेलल इमेजेस दिखाई देते हैं, क्या दिखाई देते हैं दो पैरेलल इमेजेस दिखाई देते हैं, और अगर हम पैरेलल इमेजेस की बात करें रिफोकसिंग द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को रिफोकस करना हो सकता है कि यहां से सॉल्व हो जाए, बट केवल ये नहीं, रिफोकसिंग द आईपीस हो सकता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं आईपीस को फोकस, ऑब्जेक्टिव हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। दूसरी बात मुझे बताना, आईपीस को जब फोकस करते हैं तो किस लिए करते हैं, आईपीस को फोकस करते हैं टू मेक द क्रॉस हेयर विजिबल, सो दैट हमारे क्रॉस हेयर क्या हो जाएंगे विजिबल निकल करके आएंगे, लेकिन अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव को फोकस क्या करते हैं, तो इमेज को क्रॉस हेयर के प्लेन में बनाने के लिए, इमेज को क्रॉस हेयर के प्लेन में बनाने के लिए हम क्या करते हैं यहां पर हम किसको फोकस करते हैं ऑब्जेक्टिव को फोकस करते होते हैं। 20 की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो राइट आंसर। 21 का आंसर बताओ जल्दी से फटाफट, क्या होगा 21 का आंसर बताओ जल्दी से फटाफट। अच्छा ऐसा है क्या बेटा आराम तो तभी होगा जब उसके पूरे, अभी भी वो सेटिस्फाइड अगर नहीं है
तो हम नहीं बोलेंगे कि आराम करना चाहिए, क्योंकि ये आराम फिर ब्रेक में काउंट हो जाएगा। अगर दोबारा वो चाहता है कि एई की तैयारी करे तो वो आराम छोड़े, क्योंकि वो ये जो आराम है वो ब्रेक में काउंट, फिर हमें फिर से नए सिरे से शुरुआत करनी, समझो इस बात को, ताकि जिंदगी भर आराम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसी बातें करते यार, जिंदगी भर भी आराम कर सकते हो, वो भी कम पड़ जाएगा। चलो हाँ, कहाँ है हम, 21 नंबर पे हैं हम, 21 नंबर पे क्या बोल रहे हैं, टॉर्शन रेजिस्टेंस कैपेसिटी ऑफ अ गिवन। अगर एक आरसी सेक्शन की टॉर्शन रेजिस्टेंस कैपेसिटी की बात करेंगे तो टॉर्शन रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज विद द डिक्रीज इन द स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस स्पेसिंग की बात करते हैं तो इसके साथ डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द लॉन्गिट्यूडनल पाथ, तो ये भी क्या होगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, डिक्रीज इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑप्शन नंबर फोर जो होगा वो हमारा राइट आंसर। 21 की बात करें, ऑप्शन नंबर 22 का आंसर बताओ जल्दी से फटाफट। जल्दी ट्वेंटी टू का आंसर बताओ और सेशन को फटाफट शेयर करो यार, सेशन को क्या करो, शेयर करो जल्दी से फटाफट, शेयर करो यार, कितनी बातें करते हो यार, मतलब घर परिवार सब उठा के जाते हैं, ये भी वो भी सब कर लो तुम यही। बहुत बढ़िया यार, सेशन को शेयर कीजिएगा बिल्कुल फटाफट तरीके से। लठमार होली खेलने गए थे क्या, कहाँ चले गए थे क्या, ब्रज है लठमार होली। अरे थोड़े समय रुक जाओ, घर में ही लठ पड़ेंगे, टेंशन मत लो तुम, ठीक है, घर में भी लट पड़े कोई दिक्कत नहीं। इन अ थियोडोलाइट द लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज, अगर हम बात करते हैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अरे रे 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 कहाँ से आए हो बे, है रिंकू कुमार जी, है कब पूछ रहे हो तुम भैया, कब पूछ रहे हो तुम, हम कब पूछ रहे हो, मतलब एग्जाम डेट आ गई, हे बाप रे भैया, कभी कभी जाग जाया करो यार, मतलब एग्जाम डेट के आए हुए कितने दिन हो चुके हैं। ओह कोई दिक्कत नहीं है, हम बता देते हैं एग्जाम डेट आ चुकी है, जेई के लिए एग्जाम डेट आ चुकी है, ठीक है, अब प्रिपरेशन कर लेना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इन अ थियोडोलाइट द लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज, अगर हम बात करते हैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन की बात करते हैं, ठीक है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन की बात करते हैं, लाइन ऑफ कॉलिमेशन की बात करते हैं, लाइन ऑफ कॉलिमेशन इस क्या निकल कर के आएगा, पैरेलल टू द एक्सिस प्लेन, अगर हम बात करें लाइन ऑफ कॉलिमेशन पैरेलल टू द एक्सिस प्लेन, पैरेलल टू द वर्टिकल एक्सिस, अगर हम बात करते हैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन का वर्टिकल एक्सिस, तो ये भी कहना क्या सही है गलत है, तो हम बात करते हैं ये भी कहना गलत है, हम बोलते परपेंडिकुलर टू द ट्रिगन एक्सिस, ट्रिगन एक्सिस का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ट्रूनियल एक्सिस का मतलब क्या है, हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात करते हैं, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर, लगता है कल की नहीं उतरी अभी, ऐसा लग रहा है, बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परपेंडिकुलर टू द ट्रूनियल एक्सिस हम निकल कर क्या था, तो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, हम तो पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बेसिकली तीन फंडामेंटल एक्सिस होती है, एक तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और लाइन ऑफ कॉलिमेशन, तो इन तीनों का रिलेशनशिप। 22 नंबर का बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 इज द, 23 नंबर की बात करो यहां पर, जल्दी से फटाफट आंसर बताओ, बहुत बढ़िया, तुम मतलब बाल की खाल निकाल, अ रिवर 5 मीटर डीप ऑफ अ and with the saturated humidity of 20%, अगर हम बात करते हैं 5 मीटर डीप के बारे में, 5 मीटर डीप का हमने बात किया, यहां पर रिवर की बात करें, ये है पानी,
कि यहाँ पर सॉइल है, तो सॉइल में क्या बोला था, इफेक्टिव स्ट्रेस बताओ 5 मीटर पर, तो यहाँ से 5 मीटर पर और इफेक्टिव होगा अगर ये ए पॉइंट है, तो हम बात करें सिग्मा ए, सिग्मा बार ए कितना है, सिग्मा ए और सिग्मा ए की बात करो तो सिग्मा ए कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, जल्दी से बताओ, सिग्मा ए की बात करते हैं कितना हो जाएगा, हम बात करते हैं वन, अगर हम होते फाइव प्लस फाइव हम बात करते हैं तो सॉरी सॉरी तो क्या लिखेंगे, फाइव गामा डब्ल्यू लिखा जाएगा, फाइव गामा डब्ल्यू प्लस फाइव गामा से माइनस कितना टेन गामा डब्ल्यू, यहाँ पर तो लिखोगे तो कितना है फाइव गामा से गामा सैचुरेटेड 20 क्या है गामा W की 5 इनटू कितना 20 और इसको जब आप सॉल्व करोगे 51 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा, तो 23 की बात करेंगे यहां पर ऑप्शन नंबर, ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 23 के बाद 24 का आंसर बता जल्दी से फटाफट क्या होगा, 24 का आंसर क्या बोल रहे हैं, आदर्श पांडे जी ठीक है आपके निवेदन को स्वीकार कर लिया जाएगा, आज शाम को तीसरा माइक भी यूज कर लिया जाएगा, ठीक है नया माइक मंगवा के तीसरा माइक भी यूज, ओके को भी देख लेते हैं और क्या बोलेंगे अब, ओके चलो 24 का आंसर बताओ जल्दी से फटाफट, तो हम बात करेंगे यहाँ पर क्या है, द फ्लो इज क्लासिफाइड एज अ लैमिनार व्हेन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर इज, अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम होता है तो उसको क्या बोलते हैं, लैमिनार फ्लो बोल रहे होते हैं, क्या बोलते हैं लैमिनार फ्लो बोल रहे होते, ठीक है तो हम बात करते हैं यहाँ पर बिटवीन 2000 to 4000 क्या होता है ट्रांजिशन निकल कर क्या होता है, और अगर 4000 से ऊपर जाता है तो ग्रेटर देन 2000 होता है होता है वो टर्बुलेंट कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, और ये सारी कंडीशन पाइप फ्लो के अंडर डिफाइन कर रहे हैं, ये सारी की सारी कंडीशन पाइप फ्लो डिफाइन 24 की बात ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, 25 की बात करो जैसे क्या होगा यहां पर, व्हाट इज द थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड मिलीग्राम पर लीटर ऑफ अ ग्लूकोज सॉल्यूशन इफ द कंसंट्रेशन इज 500 मिलीग्राम पर लीटर, कंसंट्रेशन कितना निकल कर के आ रहा है 500 मिलीग्राम पर लीटर निकल के आ रहा है, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ कितना होगा, सभी को आंसर रटा होगा इसका, इतने ही बार कर लिए जल्दी बताओ कितना होगा, सबको पता है कितना होता है ग्लूकोज C12O6 आता है और ये टूटता है तो किसमें CO2 प्लस H2O में टूटता है, तो हमसे क्या पूछ रहा है थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड बताओ कितना होगा, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कितना 6 CO2 हमें ऐड कितना 6 CO2 ऐड करना पड़ता है, और अगर हम बात करें CO2 तो हमें क्या 180 ये निकल कर आएगा और ये कितना हो जाएगा, हम बात करते हैं 32 तो हम बात करते हैं यहां तो तुम मुझे बता दो अगर 180 पार्ट के लिए कितना चाहिए 192 चाहिए, एक पार्ट के लिए कितना चाहिए होगा 180, यहां पर कितना है 500 मिलीग्राम पर लीटर, तो 500 मिलीग्राम पर लीटर कितना 192/180 बताओ इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, जल्दी बताओ कितना आ रहा है, सभी को पता है 533.33 आता है, कितना 533.33 तो हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो राइट आंसर निकल कर के आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तो 25 की बात करेंगे ऑप्शन नंबर 26 की बात करो तो भैया 11:30 पे जो हमारी मास्टर क्लास होती है और 2 बजे हमारी मास्टर क्लास होती है ना, 11:30 पर हमारी टेस्ट और 2 PM पर हमारी टेस्ट मास्टर क्लास, ये दोनों मास्टर क्लास ज्वाइन कीजिए, दोनों मास्टर क्लास ज्वाइन कीजिएगा आपके लिए काफी हेल्पफुल निकल कर, चलो तो विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ फेल मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर अ ब्रिटल मटेरियल, एक ब्रिटल मटेरियल के लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट निकल करके आ रही है, तो कौन सी होती है भैया मैक्सिमम आएगी वो मोस्ट एप्रोप्रिएट निकल करके आती है, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है 27 की बात करो और जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा,
जल्दी से 27 की बात करो, द स्लोप करेक्शन फॉर अ लेंथ ऑफ 30 मीटर अलोंग द ग्रेडियंट ऑफ 1 इन 20 इज, देखो 1 इन 20 का ग्रेडियंट है, 1 इन 20 हमारा वर्टिकल होगा 20 हॉरिजॉन्टल जाने पर, और कितना है भाई 30 की बात कर रहा है, कितने की बात कर रहा है भाई 30 मीटर, तो हमारा स्लोप करेक्शन कितना अप्लाई होगा, स्लोप करेक्शन कितना अप्लाई होगा, कितना जल्दी से आंसर निकालते हो रे फटाफट, ऐसा कैसे कर लेते हो यार तुम लोग, ऐसा कैसे कर लेते हो ये बताओ मुझे। ठीक है, तो ये एच की वैल्यू निकाल लो, तो अगर हम एच की वैल्यू निकालेंगे कितना 1 in 20 = h/30, तो हम बात करेंगे कितना h = 3/2, यानी हम स्लोप करेक्शन की बात करते हैं वो कितना होगा -h²/2l, h²/2l यहाँ पर निकल कर जाते हैं, तो h²/2l की बात करो तो कितना निकल करके आएगा जल्दी बताओ, तो हम बात करें 1² / हम बात करेंगे जाएगा, जल्दी बता दो कितना हो जाएगा, हम बात करें 3.57 सेंटीमीटर हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। कैसे निकालते हो इतनी जल्दी है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो 27 की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, 28 की बात करें, मुझे पता है तुम कैसे लिखा, मुझे पता है तुम कैसे, ठीक है मुझे पता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर बताते चलो, फटाफट आंसर बताते चलो, क्या बोल रहा है, कॉफिशियंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑरिफिस इज, अगर ऑरिफिस के कॉफिशियंट ऑफ वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देना होगा तो कॉफिशियंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑरिफिस इज इक्वल टू x/√4yh दिया जाएगा, x/√4yh जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर होगा वो राइट आंसर निकल। ठीक है, 29 का आंसर बताओ जल्दी से, 29 का आंसर बताओ जल्दी से फटाफट, 29 का आंसर बताओ, और सेशन को फटाफट शेयर और लाइक किया करो यार, फटाफट तरीके से शेयर एंड लाइक द सेशन, शेयर एंड लाइक द सेशन। अ स्टील प्लेट ऑफ डी इनटू इज सैंडविच बिटवीन द रिजिडली बिटवीन द टू टिम्बर जॉइंट्स, तो देखो यार ये क्वेश्चन में बता चुका हूं, देखो और ये स्टील प्लेट है बीच में, तो क्या है स्टील प्लेट है, दो टिम्बर जॉइंट्स के बीच बता दिया गया है, अगर हम बात करते हैं यहां पर कितना है ये बी, यहां पर जो करके आ रहा है वो b है, और यहां पर भी b/2 आ रहा है, ये जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है वो d, तो हमें मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस σ/y i निकल कर आएगा ये इस प्लस σ/y i निकल के, अच्छा इसके लिए i की वैल्यू बताओ, i ऑफ टिम्बर अगर हम बात करें कितना होगा b, अगर हम बात करें b/2 × 12 निकल, अगर स्टील के लिए आई की वैल्यू देखोगे तो कितना आएगा π/12 निकल, वाई की वैल्यू अगर हम बात करें वाई, अगर हम बात करें वाई ऑफ और वाई ऑफ टिम्बर, हां हम बात करते हैं b/2 निकल गया, कितना d/2 π/2 दोनों के लिए, और इसके लिए देखो यहां पर क्या दिया है परमिसिबल स्ट्रेस सिग्मा इन टिम्बर एंड विल बी फेयर, अगर हम बात करते हैं यहां पर क्या है द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बीम of the same maximum permissible, अगर हम बात करते हैं same maximum stress की बात कर रहे हैं, कितना same maximum stress की बात कर रहे हैं, तो same maximum stress की बात कर रहे हैं तो कितना कितना निकल करके आएगा जल्दी बता दो, कितना कितना निकल करके आएगा जल्दी बता दो, तो इसके लिए जो value है वो कितना है वो हमारा m sigma निकल करके था, इसके लिए कितना आएगा, बस बात करना यहाँ पर ये सारी value और आपका आंसर निकल के आएगा, तो आंसर कितना आ रहा है, आंसर आता कितना ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, 29 की बात करेंगे ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, 30 नंबर का आंसर बताओ जल्दी से फटाफट, 30 का आंसर बताइए जल्दी से फटाफट, 30 यही होमवर्क क्वेश्चन था, अच्छा जल्दी आंसर बताओ 30 का, If the slump of a concrete mix is mm, its workability is, अगर हम बात करते हैं slump की, तो slump अगर हमारा 60 mm निकल के आया तो workability कैसी होगी, workability जो होगी वो medium workable निकल करके आएगा, कैसा medium workable निकल करके आएगा, और medium workable के लिए कहाँ पर 50 से लेके 100 के बीच में slump जो निकल करके आएगा 50 से 100 के बीच, अगर हम low की बात करें तो कितना
से लेकर के 50 के बीच है, वेरी लो के केस में, और हाई के केस में कितना आएगा बेटा जल्दी से बता दो, हाई के केस में निकल करके आ रहा होता है 100 से लेकर के 150। अच्छा स्लंप कॉन की बात करोगे तो स्लंप कॉन में कितना होता है, ऊपर जो होता है वो 10 सेंटीमीटर का डायमीटर 20 सेंटीमीटर और जो हाइट निकल करके आएगी वो 30 सेंटीमीटर। 30 की बात करेंगे यहां पर ऑप्शन 31 की बात करो यहां पर जल्दी जल्दी आंसर बताओ। द फील्ड कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल इज 20, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट 50% एंड स्पेसिफिक ड्राई रूट वेट भी दे दिया गया, रूट जोन ऑफ द क्रॉप 80 सेंटीमीटर, तो स्पेस कैपेसिटी बताइए कितना होगा। तो अगर हम स्टोरेज कैपेसिटी निकालेंगे वो कितना होगा, गामा ड्राई अपॉन इनटू टी इनटू कैपेसिटी कितना होगा, गामा ड्राई, गामा ड्राई की वैल्यू लिखा होगा कितना होगा हमारे 1.5 अपॉन 80 सेंटीमीटर इनटू 0.25 माइनस 0.15 आएगा, तो कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर निकल कर गया है। ठीक है चलो, तो हम बात करते हैं यहाँ पे 31 की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 32 की बात करो जल्दी से फटाफट फटाफट आंसर बताओ। अ बॉन्ड इन द ब्रिक वर्क एंड हेडर एंड स्ट्रक्चर आर प्लेस्ड इन हेडर और स्ट्रक्चर अल्टरनेटेड लेयर में है, अल्टरनेटेड लेयर में है तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश वर्ड, बट अगर एक ही लेयर में अल्टरनेटिवली होते तो क्या बोलते हैं, एक ही लेयर में अल्टरनेटिवली होते तो उसको क्या बोलते हैं फ्लेमिश बॉन्ड। 32 की बात करेंगे, 33 का आंसर बताओ जल्दी से फटाफट। 33 का आंसर, इफ द लोडिंग, अगर हम बात करते हैं लोडिंग कंडीशन की बात करते हैं, ठीक है, इफ द लोडिंग ऑन अ सिंपली सपोर्टेड पीस कंक्रीट द सेंट्रोइड ऑफ द टेंडन, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है UDL है तो UDL के केस में जो टेंडन का प्रोफाइल होगा, अगर बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बताओगे UDL के केस में क्या आएगा, पैराबोलिक आएगा या नहीं, कैसा आएगा पैराबोलिक, तो हमारा टेंडन का प्रोफाइल शेप कैसा होना चाहिए पैराबोलिक। हम बात करेंगे स्ट्रेट प्रोफाइल अलोंग द, नहीं होगा क्या बात करेंगे स्ट्रेट प्रोफाइल अलोंग विद द लोअर कट, ये भी नहीं होगा क्या होगा अब पैराबोलिक प्रोफाइल विद कॉन्वेक्सिटी, अगर हम बात करते हैं तो कॉन्वेक्सिटी डाउनवर्ड इस तरीके से निकल जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो यहाँ पर है वो, तो हम बात करेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर निकल कर क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है 33 की बात करेंगे यहाँ पर, 34 का आंसर बताओ, मस्किंगम मेथड इज कनेक्टेड ऑफ द फॉलोइंग, अगर मस्किंगम मेथड की बात करते हो तो मस्किंगम मेथड किससे, हम बात करते हैं फ्लड राउटिंग से, फ्लड राउटिंग से निकल करके आता है हमारा मस्किंगम मेथड, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है और 35 का आंसर है वो आपको होमवर्क में कमेंट सेक्शन के अंदर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर होमवर्क में सभी आंसर करिएगा। ठीक है तो मैं आपको एक और चीज यहां पर बता देता हूं भाई, देखो यहां पर होली ओवर हो चुकी है, आपका ऑफर ओवर हो चुका है, तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर डिस्क्रिप्शन में आपके लिए क्या है एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है जिसमें हम बात करते हैं सुपर कोचिंग, साथ ही साथ आप सिविल के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए AEJEE सिविल का भी यहां पर कंप्लीट बैच यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो भी यहां पर जा सकते हैं, तो यहां पर जाइए AEJEE सुपर आप क्विक वे में अपना रिवीजन कर सकते हैं यहां पर इस कोर्स, तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है सभी कोर्सेज मिल रहे हैं टेक्निकल के और नॉन टेक्निकल के, जनरल अवेयरनेस अमर के क्वांट और इंग्लिश टेस्ट यहां पर आपको मिल रहा है। देन हम बात करते हैं यहां पर क्या मिल रहा है आपको, आपको मिल रहा है लाइव लेक्चर जिसमें आपको यहां पर डाउट एंड रिवीजन सेशंस भी ले रहा हूं, साथ ही साथ आपके यहां पर सारी चीजों को क्यू सेशंस भी यहां पर ले, ये सारी चीजें भी आपको मिलेंगी, साथ ही साथ 85 से ज्यादा मॉक टेस्ट है, काफी सारे स्टूडेंट इन्वॉल्व है, तो आपको यहां पर पूरा का पूरा प्रॉपर एनालिसिस आ रहा हो। ठीक है तो आप यहां पर 3 मंथ और 1 मंथ अगर आप चाहें तो 1 मंथ यहां पर जा सकते हैं जिसमें आप कंप्लीट करते हैं, तो 1 मंथ का ध्यान रखिएगा यहाँ पर कूपन अप्लाई करिएगा क्या वैभव, तो अगर हम वैभव कोड को अप्लाई करते IAIKV क्योंकि ऑल इन वन कूपन कोड है, तो जो ये 1165 का आपका कोर्स है वो अगर हम बात करते हैं 1332
बिल्कुल यार, इस कूपन के साथ लगाओगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये कंडीशन आया होगा जिस कारण से ऐसा हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम कूपन लगाने, यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट, ये कूपन कोड आपको अप्लाई करना है, वो होगा आपका वैभव कोड, होगा वैभव कोड, वैभव कोड। और ये ऑल इन वन कोड है टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग के, यहाँ पर किसी भी कोर्सेज के लिए आप लगा सकते हो, चाहे सीधी हो, पटवारी हो, गेट हो, किसी भी कोर्सेज के लिए आप इसको एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो वैभव सर सुपर अपने टेलीग्राम है, वहां पर ज्वाइन कीजिएगा। ये पीडीएफ भी मैं आपको वहां पर शेयर कर दूंगा, ठीक है, पीडीएफ भी आपको वहां पर, तो आपको वहां, ठीक है, चलो। और कोई भी डाउट डिस्कशन है वहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट भी कर पाएंगे, ओके गाइस, चलो। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक।